इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्डप्रेस वेबसाइट में किसी भी पोस्ट या फिर पेज में पीएचपी की कोडिंग किस तरह से इंसर्ट करते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर ये पीएचपी की कोडिंग ले रखी है। तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया है और उसमें पोस्ट मेथड यहाँ पर क्रिएट करके रखी है और एक यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लिया है। जब भी कोई यूज़र टेक्स्ट बॉक्स में कोई वैल्यू इंसर्ट करेगा तो सबमिट बटन के थ्रू पोस्ट मेथड में जाएगी और उस पोस्ट मेथड को मैंने यहाँ पर प्रिंट करके रखा है। तो फिलहाल तो यहाँ पर कोड इम्पोर्टेंट नहीं है, इस कोड को वर्डप्रेस के अंदर इंसर्ट कैसे करते हैं यही हम देखने वाले हैं। तो इस कोडिंग को वर्डप्रेस के अंदर इंसर्ट करने के लिए हमें एक सिंपल से प्लगइन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए वर्डप्रेस के बैकएंड में चलते हैं और प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए प्लगइन सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है इंसर्ट PHP। तो यहाँ पर आपको इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है इंसर्ट PHP कोड स्निपेट को। प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद आपको इस प्लगइन के सेटिंग में जाना है। तो चलिए चलते हैं इस प्लगइन के सेटिंग में। तो यहाँ पर आने के बाद आपको ऐड न्यू PHP कोड स्निपेट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आप जो भी कोड इंसर्ट करना चाहते हो उसका नाम यहाँ पर इंसर्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर नाम इंसर्ट कर लिया है। तो अभी मैं हमने जो PHP का कोड यहाँ पर क्रिएट किया है इसको हम कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कोड कॉपी। चलते हैं वर्डप्रेस के बैकएंड में और यहाँ आने के बाद उस कोड को हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर कोड पेस्ट होने के बाद आपको क्रिएट पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो चुका है यहाँ पर स्निपेट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो उसके बाद आप इस सोर्स कोड को कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मेरा वर्डप्रेस का एक सैम्पल पेज है। तो मैं अभी चाहता हूँ कि हमने जो अभी PHP का कोड वर्डप्रेस में इंसर्ट किया है उसका आउटपुट मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। तो चलते हैं इस पेज के बैकएंड में और जो हमने शॉर्टकट क्रिएट किया है उस शॉर्टकट को हमें यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। तो ये हो गया मेरा शॉर्ट कोड पेस्ट। तो मैं अभी इसको अपडेट कर देता हूँ पेज को और अपडेट होने के बाद हमें यहाँ पर आउटपुट देख लेना है। तो मैं यहाँ पर पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो टेक्स्ट बॉक्स लिया था ये वाला टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया था और ये सबमिट बटन। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स प्रिंट हो चुका है हमारा और ये सबमिट बटन यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अभी कुछ वैल्यू इंसर्ट कर लेता हूँ आपको आउटपुट दिखाने के लिए। तो मैं अभी यहाँ पर सेंड मैसेज पर क्लिक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने सेंड मैसेज पर क्लिक किया यहाँ पर मेरा हाई ऑल प्रो कोडिंग यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है यहाँ पर प्रॉपरली। तो इस प्लगइन की मदद से आप PHP के कोडिंग के साथ साथ HTML के भी कोड को इंसर्ट करके उसका आउटपुट यहाँ पर देख सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यहाँ पर HTML के HR टैग भी यूज़ किए थे तो उसका भी आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। दो लाइंस एक नीचे और एक ऊपर यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी है। HTML, CSS और JavaScript को कोड को किस तरह से इंसर्ट करते हैं वर्डप्रेस के अंदर उसके लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बना दिया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आप आई बटन पे या लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। PHP कोडिंग इंसर्ट होने के बाद आप अगर उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें इंसर्ट करना चाहते हो और भी तो आप यहाँ पर आके इसको आप एडिट भी कर सकते हो। तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्लगइन था। आप डायरेक्टली यहाँ पर PHP का कोड इंसर्ट कर सकते हो और उसका आउटपुट ले सकते हो। तो इस सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इस प्लगइन को यूज़ किया है। अदरवाइज़ देखा जाए तो PHP का कोड इंसर्ट करने के लिए और भी बहुत प्लगइन्स अवेलेबल है लेकिन ये प्लगइन मुझे यूज़ करने के लिए बहुत ही सिंपल और आसान लगा इसलिए मैंने इस प्लगइन को यूज़ किया है। आई होप ये सिंपल सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना।